तो जस्ट मैंने अभी एक बेडरूम का ना विंडो ओपन कर दिया है और बाहर का व्यू देखो भाई, बाहर का व्यू सोचा है, यहाँ पर आप लेटे हुए हो और इतना बढ़िया व्यू आपको देखने मिल रहा है। और क्या चाहिए भाई लाइफ में, देख सकते हो बहुत ज़्यादा शिकाराज भी आपको देखने मिल जाएगी और ऊपर से तो बहुत बढ़िया व्यू आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एकदम मज़ा। और ये रहा देखो, यहाँ से तो क्या बढ़िया व्यू आ रहा है, सी ओ वाओ, सी द हाउस बोट्स, क्या मस्त लग रहा है भाई। यार केरला में आकर ये चीज़ नहीं करोगे तो क्या ही मज़ा आपका फिर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। शुरुआत से शुरू करते हैं और आज फिर एक यूनिक टॉपिक को कवर करते हैं। तो कैसे हो सारे, बढ़िया। तो अभी क्या हुआ, जैसे ही सुबह हमने कायाकिंग किया उसके बाद मैं रेडी हो गया, मतलब थोड़ी देर बीच पे गया था, एलेप्पी बीच पे। तो अभी ना मैं आपको हाउस बोट का टूर देने वाला हूँ, क्योंकि मैं सोलो, मैंने सोचा था कि मैं खुद जाकर रहूँगा वन डे के लिए, बट यार कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है और अकेला क्या ही करूँगा, वापस जाकर बोर हो जाऊँगा। सही है ना जितिन भाई? यस दैट्स करेक्ट। तो इसलिए सोचा कि बस आपको हाउस टूर देता हूँ। तो हमारे साथ भाई है अभी, व्हाट इज योर नेम ब्रदर? आनंदो। आनंदो, तो आनंदो भाई हमें इनका खुद का हाउस बोट है, तो ये हमें हाउस बोट लेके जाएंगे, दिखाएंगे कि हाउस बोट अंदर से होता कैसा है, क्योंकि मुझे भी खुद को एक्सप्लोर करना था कि हाउस बोट होता कैसा है, दिखता कैसा है, कॉस्ट क्या रहेगा आपको रहने के लिए। तो हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में अभी मिलने वाली है। तो अभी इसलिए फिर मैंने न्यू वीडियो स्टार्ट किया हाउस बोट के ऊपर। तो फटाफट अभी जहाँ से पिकअप पॉइंट रहता है हाउस बोट का, वो वेयर इज द पिकअप पॉइंट? पिकअप पॉइंट इज पुन्नेमड़ा। पुन्नेमड़ा, पुन्नेमड़ा इज द पिकअप पॉइंट। ओके, तो अभी जा रहे हैं हम वहाँ पर, भाई लेने के लिए आया था, क्योंकि हम हाउस बोट को आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इनकी हाउस बोट है, तो फटाफट जाते देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा। तो इनकी जो हाउस बोट है उसको भी आप बुक कर सकते हो, पहले हम देख लेते हैं कि हाउस बोट कैसी है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा, फिर उसके बाद अगर आपको आना है तो आप लोग आ सकते हो। तो देख सकते हो ये पिकअप पॉइंट है, कितनी सारी हाउस बोट यहाँ पर खड़ी मिल जाएगी आपको, बहुत सारे हाउस बोट्स हैं, हर एक के ऊपर नाम लिखा रहता है, जैसे देख सकते हो डॉल्फिन। तो अभी हम हाउस बोट के अंदर आ चुके हैं और अंदर से मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ क्या क्या मिलने वाला है आपको। तो देख सकते हो यहाँ पर ड्राइवर सीट है जो कि इस हाउस बोट को चला रहे हैं, एंड यहाँ पर स्टार्ट होता है मेन एरिया, जहाँ पर आपको देख सकते हो स्टार्टिंग में फ्रूट्स वगैरह ये लोग प्रोवाइड करते हैं, वाटर बॉटल, इसमें आपका खाना रहना हर एक चीज़ इंक्लूड है। तो ये देख सकते हो लाइफ जैकेट्स, यहाँ पर आप बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो, टी वी भी देख सकते हो साथ में, और इतना बढ़िया व्यू है भाई। So bhai, how many people can come at a time in a boat? At a time actually for this boat, for overnight stay we will accommodate like 10 to 12 people maximum. Okay, maximum. So for the day cruise, day only cruise we will 20 people sir. Okay. तो अगर आपको overnight journey करनी है तो 12 लोग इसमें आ सकते हैं, 10 से 12 लोग। और अगर आपको मतलब डे का टूर लेना है, मतलब दिन में घूमना है बस बोट में, जैसे अभी हम जा रहे हैं, तो उसके लिए 20 से 22 लोग आप आ सकते हो। तो अभी हम डे वाला टूर ले रहे हैं, देख सकते हो। तो अभी एक बार मैं आपको ना इनके बेडरूम्स भी दिखा देता हूँ, ऊपर वाला, इधर ऊपर वाला भी पार्ट है, ऊपर तो इतना बढ़िया व्यू आता है ना। तो पहले इनके बेडरूम्स देख लेते हैं कैसे है। तो ये रहा इनका बेडरूम, देख सकते हो भाई, ये मैंने अपनी बैग्स को रखा हुआ है यहाँ पर, कितना ज़्यादा बड़ा बेडरूम है, मतलब आराम से 2 लोग सो सकते हैं, 3 तो आराम से एडजस्ट भी हो सकते हैं यहाँ पर। ये 3 BHK वाला है, मतलब यहाँ पर 3 बेडरूम्स है, देख सकते हो मस्त लग रहा है। आपको AC भी मिल जाता है, अभी AC भी स्टार्ट है, देखो वाह। और ये रहा इनका वॉशरूम, प्रॉपर वॉशरूम है, प्रॉपर बाथरूम भी देख सकते हो। यहाँ पर भी लाइव जैकेट्स आपको प्रोवाइड किए गए हर एक रूम के बाहर, फायर एक्सटेंशन भी है, यहाँ पर बेसिन भी है। और ये रहा सेकंड बेडरूम, कितना मस्त लग रहा है भाई, सच में मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को। सेम चीज़ है, टिल हियर 3 बेडरूम्स मैंने आपको दिखा दिए विथ AC। तो ये इनका किचन है, देख सकते हो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है भाई, बोट में ऐसा किचन मैंने नहीं सोचा था कि हो सकता है। एंड प्रॉपर फूड बनाते हैं ये लोग, प्रॉपर फूड, आपको यहाँ पर वाटर बॉटल से लेकर हर एक चीज़ प्रोवाइड कर देंगे ये लोग। और ये सब चीज़ें इंक्लूड है आपके चार्जेस में। जैसे कि आपने 12 बजे चेक इन कर लिया तो ये लोग ना आपको 25 से 30 किलोमीटर्स घुमाते हैं, जिसमें आपका 12 बजे से 6 बजे तक का टाइम निकल जाएगा, क्योंकि 6 बजे ना इनको एक जगह पर बोट रुका देनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट के रूल्स है कि उसके बाद बोट्स नहीं चल सकती। तो एक जगह पर ऐसे बोट्स रुक जाएगी आइलैंड्स के पास, तो वहाँ पर आप नाइट में स्टे कर सकते हो, डांस वांस कर सकते हो, म्यूज़िक बजा सकते हो, टीवी भी देख सकते हो, जो चाहिए वो कर सकते हो और एंजॉय भी कर सकते हो। वी हैव 3 पीपल इन द बोट्स, ऑल देम नो टू drive, to swim, to cook, everything they will do. Okay, it's really safe. It's really safe. See, our life jackets are here. हाँ, yeah. Fire extinguishers are there. Okay. These are the life buoys. Okay. तो अभी मैं ना आपको ऊपर वाला पार्ट दिखा देता हूँ, जो कि है सबसे मेरा फेवरेट। यहाँ पर डाइनिंग वाला पार्ट है, बस बैठ कर खाना वाना खा सकते हो भाई। इधर म्यूजिक वगैरह भी बजा सकते हो। और ये रहा देखो, यहाँ से तो क्या बढ़िया व्यू आ रहा है। See, oh wow, see the houseboats. क्या मस्त लग रहा है भाई। यार केरला में आकर ये चीज़ नहीं करोगे तो क्या ही मज़ा आपका फिर। बट मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अभी टूर ले रहा हूँ, एक छोटा सा टूर। तो जस्ट मैंने अभी एक बेडरूम का ना विंडो ओपन कर दिया है और बाहर का व्यू देखो भाई, बाहर का व्यू। सोचा है यहाँ पर आप लेटे हुए हो और इतना बढ़िया व्यू आपको देखने मिल रहा है, और क्या चाहिए भाई लाइफ में। देख सकते हो बहुत ज़्यादा शिकाराज भी आपको देखने मिल जाएगी, और ऊपर से तो बहुत बढ़िया व्यू आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एकदम मज़ा। तो अभी मैं पूछ रहा हूँ हाउस बोट का प्राइस वगैरह कितना है। तो अगर डे टूर करना है, ओनली डे टूर, ओके, सो हाउ मच? Oh, the thing is that there is no further difference between a day tour and a night tour. The cost will be almost be same. Okay. वो भी हो तो सिंगल बेडरूम हाउस बोट है, 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है। वो सिंगल बेडरूम है तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आई है वो 10,000 to 12,000 है। 10,000 to 12,000। To 2 people, 3 people. और 3 people के लिए 10,000 to 12,000। मतलब 3 people उसमें आ जाएगा। आ जाएगा, सिंगल बेडरूम में आ जाएगा। वो 2 रूम है, 3 रूम है, और 3 रूम से 10 आदमी के लिए वो 20,000 like that. For 3 bedrooms, 20,000, including food and all meal, including all meal, all meals like breakfast. That check-in will be 12 o'clock in the noon. Check-in 12 बजे होता है, तो आपको lunch will be provided. Rice, cajun fry, fish fry, cabbage, long bean salad, papad will be served. Evening tea snacks will be served. And at night, chapati, chicken curry, dal, bindi all will be served. Morning traditional Kerala breakfast or idli sambar. If it's a vegetarian, we will replace it with cabbage, paneer, aloo. We will replace like that. तो देख सकते हो जो लोग वेजिटेरियन हैं उन लोगों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस, जैसा पनीर हो गया, नॉनवेज वालों के लिए जैसा चिकन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर आपको लंच भी मिल रहा है साथ में, और बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगी भाई मेरे को बोट, और बजट भी सही है 10,000 to 12,000 फॉर 3 पीपल्स। तो इसमें आप डिवाइड कर देना। तो अभी जस्ट हमने 20 मिनट्स का टूर ले लिया बोट का, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा भाई मुझे। अभी लग रहा है कि शायद मैं 1 डे का टूर करता तो मज़ा आ जाता, बट ऑलरेडी उस बोट का सब फुल है बुकिंग्स, तो आपको एडवांस में ही बुकिंग करके आना पड़ेगा अगर आना है तो अभी हम लोग जा रहे हैं सी फूड खाने के लिए, क्योंकि जब से आया हूँ केरला एक बार भी सी फूड ट्राई नहीं किया है। सुभाष होटल है जो कि वन ऑफ द फेमस सी फूड रेस्टोरेंट है एलेपी में, तो वहीं पर जा रहे हैं हम लोग। तो अभी फटाफट निकल रहे हैं, ऑटो पकड़ लिया है। तो सी फूड के लिए फेमस सुभाष होटल में हम आ चुके हैं, जो कि सिंस 1963 से देख सकते हो। तो अभी अंदर जाते हैं और ट्राई करते हैं यहाँ का टेस्टी सी फूड। तो अभी ना हमें ये बताने वाले हैं कि ये क्या क्या है। रायता, ओके आई नो रायता, दिस इज रायता। वेजिटेबल स्टू, ओके। पिकल, अच्छा ये पिकल है, व्हाइट चिल्ली पिकल। फिश फ्राई, व्हिच फिश? मत्ती। अच्छा, नो मत्ती, ओके। केरला में इसे मत्ती बोलते हैं। और इनका चावल देख सकते हो, चावल इज़ लाइक मोटा चावल है, केरला राइस। ओके, थैंक यू। तो भाई अभी ट्रिप का लास्ट डे आज हमारा, और कल मैं निकलने वाला हूँ वर्कला। तो लास्ट सनसेट यहाँ पर देखने के लिए आया था, बट क्लाउड्स आ चुके आके, पर व्यू तो बहुत बढ़िया है अभी भी। सुबह आकर हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा मज़ा किया। और यहाँ पर ना एक कैफ़े देख सकते हो सामने, तो वहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ यार, वहाँ से भी व्यू मस्त आता है बैठ कर, क्योंकि अभी तो सनसेट दिखेगा नहीं। तो सोच रहा था कि लास्ट टाइम कैफ़े वगैरह ट्राई करते, क्योंकि बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कैफ़े बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो एक बार जाकर देख लेते हैं कैसा है टेस्ट वगैरह फूड का, क्या क्या मिलता है वहाँ पर स्पेशल। तो अभी मैंने एक शेक मंगाया, देख सकते हो, टेंडर कोकोनट। भाई इतना ज़्यादा टेस्टी है ना, अभी जस्ट मैंने इसका एक सिप लिया, मज़ा आ गया पीने में। तो आज मैं निकल रहा हूँ एलेप्पी से। अभी मैं हॉस्टल से चेकआउट कर रहा हूँ और अभी मैं जाने वाला हूँ बस से वर्कला। तो एलेप्पी के बस स्टैंड पर जाते हैं, वहाँ से बस पकड़ कर निकलते हैं वर्कला की ओर। तो भाई जो मेरी एलेप्पी की ट्रिप सक्सेसफुल हुई है तो उसके पीछे का रीज़न ये है, जॉश भाई है। हॉस्टल के प्रॉपर्टी के यही मतलब संभालते हैं। तो थैंक यू जॉश, थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई, बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। अभी एक कैफ़े में आ चुके हैं सब लोग मिलके, तो सैम, आदित्य, हम तीनों मिलकर साथ में जाने वाले वर्कला के लिए। और नाम बोल जाओ, फेडसन भाई है साथ में, और साथ में अपना जीतिन प्रो। तो ये है एलेप्पी का बस स्टॉप, यहीं से हम हॉस्टल भी गए थे और फिर से यहीं से हम वर्कला भी निकल रहे हैं। या तो सीन्स कुछ ऐसे, हमने एलेप्पी से बस पकड़ी कलमबलम के लिए। कलमबलम एक नाम का स्टॉप है, डायरेक्ट वर्कला के लिए आपको कोई भी बस नहीं मिलेगी। तो एलेप्पी के बस स्टॉप से कलमबलम आने के 158 रुपीज़ चार्ज था पर पर्सन का। मेरे साथ सैम और आदित्य भी आए जो कि मुझे एलेप्पी में मिले थे। कलमबलम आने के बाद हमने लोकल बस पकड़ी फिर से, जो कि 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है वर्कला तक का। तो वहाँ तक आने के 25 रुपीज़ चार्ज लगे। उसके बाद ऑटो भी करना पड़ा क्योंकि हॉस्टल थोड़ा सा अंदर है, तो ऑटो का 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है। तो अभी मैं आ चुका हूँ हॉस्टल की प्रॉपर्टी के बाहर, देख सकते हो। तो मैंने चेक इन वगैरह कर लिया है। तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टी है, मस्त प्रॉपर्टी है। तो अभी सोच रहा हूँ यहाँ पर कुछ खाने के लिए निकल जाता हूँ। यहाँ पर कुछ ना साइकिल का भी रेंटेड शॉप है बाजू में ये। तो चलते फिर नीचे। तो ये सामने राज हॉस्टल, उसी के बाजू में सर्फेंसी है। तो यहाँ पर 200 रुपीज़ में आप साइकिल रेंट कर सकते हो और बाइक का 600 रुपीज़ बताया। तो बार्गेनिंग करके 500 तक मिल जाएगी बाइक। तो हॉस्टल के बहुत ज़्यादा पास में ना द ब्लैक सैंड बीच पड़ता है। यहाँ पर ना मुझे कोई भी सैंड ब्लैक कलर में नज़र नहीं आ रही है, बट पता नहीं क्यों नाम रखा है ऐसा। और यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे कैफ़ेज़ है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है कैफ़ेज़ की लाइन। तो आप ऊपर जाकर देख सकते हो, और उधर ही क्लिफ वाला पार्ट है। और ये देख सकते हो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बीच है। खाने के लिए निकला था बट यार वेव्स का बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, तो रहा नहीं गया और आके देख लिया कि क्या सीन है। और पानी सच में बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है, बीच भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है। और क्राउड देख सकते हो, कुछ भी क्राउड नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कम क्राउड नज़र आएगा। 5 मिनट वॉक करके आए, यहाँ पर केरला कैफ़े दिखा है, देखो रेस्टोरेंट जो इस बार। तो देख सकते हो हमारा खाना आ चुका है। तो आदित्य जैसे मेरे साथ ही, मैंने बोला, उसने ग्रीन पीस वाला मंगाया और मैंने चना करी मंगाया, और साथ में परोठा मिलता है यहाँ पर।